نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قبل احترام حاضرين جمعة سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم مذہب کا ماننے والا بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ معزز حاضرین اسلام اور اسلام کی تعلیمات انسانیت کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہیں ایک مسلمان کو اس دنیا میں اس رہتی زندگی میں سب سے اچھے اخلاق سب سے اچھے معاملات والا ہونا چاہیے یہی اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اور وہیں پر برے اخلاق سے روکنا برے تعامل سے روکنا یہ اسلام کی ایک خاصیت ہے معزز حاضرین کچھ بری عادتیں کچھ بری خصلتیں جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہمیں منع کیا ہے ایک یہ ہے کہ بندہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائے ایک دوسرے کو حقیر سمجھے کسی کی زبان کا کسی کے چہرے کا کسی کی چلن کا کسی کی آواز کا غرض کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑانا شریعت نے اس سے روکا اور اس سے منع کیا ہے عربی زبان میں اس کو استہزاء یا سخریہ کہا جاتا ہے کہ بندہ کسی اور کا مذاق اڑائے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم
कि ऐ ईमान वालों सुन लो, तुम में से कोई किसी और का मजाक ना उड़ाए, कोई कौम किसी कौम का, कोई शख्स किसी शख्स का मजाक ना उड़ाए। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि मजाक उड़ाने वाले से ज्यादा वो आदमी अल्लाह के नजदीक बेहतर हो जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वला निसा मिन निसा, अल्लाह ने औरतों को भी खास तौर पर ताकीद करते हुए कहा कि औरतें भी औरतों का मजाक ना उड़ाएं, हो सकता जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो वो अल्लाह की नजर में बेहतर हो। वला तलमिजु अनफुसकुम वला तनाबजु बिल अलकाब, कि तुम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए इशारे मत करो, हमज़ो लम्ज़ से काम न लो और एक दूसरे को बुरे लकब गंदे लकब से न पुकारो। बिसल इस्मुल फुसूक बाद अल ईमान, के एक मरतबा ईमान ला ले, एक बंदा एक मरतबा ईमान ला ले तो ईमान लाने के बाद फिस्क व फुजूर के काम करना बड़ी बुरी बात है। फिर अल्लाह ताला तौबा की दावत देते हुए कहते हैं कि वमन लम यतुब फौलाइक हुम ज़ालिमून, जो ऐसे गुनाहों से तौबा न करे वही हकीकी जालिम है। मौजूद हाजरीन, ये मजाक उड़ाना ये आम तौर पर इसकी जो वजह उलमाए किराम ने लिखी है, हुकमा ने बयान की है कि बंदा उसी वक्त करता है जब वो जिसका मजाक उड़ा रहा हो उससे अपने आप से कमतर समझे, उसको अपने से कम समझे, उसे हकीर समझे, तभी जाकर के वो उसका मजाक उड़ाता है। तो मजाक उड़ाने में एक किस्म की हकारत, एक किस्म की जिल्लत होती है जो सामने वाले को जिसका मजाक उड़ा रहा है उसे हकीर और जलील करना चाहता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर की जो तारीफ की, तकब्बुर का जो माना बताया, यही बताया कि बतरुल हक व गमतुन नास, कि हक आए तो हक को रद्द कर दें, हक को कबूल ना करें, यह तकब्बुर है। और इसी तरीके से दूसरों को हकीर जानना, दूसरों को हकीर समझना, यह भी तकब्बुर है। तो मज़ा हाजरीन, आम तौर पर यह बात है, दिलों के हालात अल्लाह बेहतर जानता है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि मजाक उड़ाने के पीछे जो चीज कार फरमा होती है, मजाक उड़ाने के पीछे जो फिक्र होती है, उसका तकब्बुर से यकीनन बड़ा गहरा ताल्लुक है। और तकब्बुर बड़ी बुरी बला है। तकब्बुर इंसान के अपने दिलो दिमाग में पाया जाना वाला वो तसव्वुर है कि जिसमें वो अपने आप को दूसरों से बेहतर, दूसरों से ऊंचा, दूसरों से नेक, दूसरों से अफजल तसव्वुर करता है और अपने से दूसरों को हकीर और कमतर महसूस करता है। और बंदा किसी को कमतर और हकीर महसूस करे, जो कि तकब्बुर की एक निशानी है, अल्लाह ताला को एक आंख नहीं भाती, अल्लाह ताला नफरत करता है, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता उस आदमी को जिसके दिल में तकब्बुर हो। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहां तक कहा कि जिस आदमी के दिल में जर्रे के बराबर भी तकब्बुर मौजूद हो कभी वो जन्नत में नहीं जाएगा। और मौजूद हाजरीन, कुरान मजीद की जो तिलावत करते हैं, कुरान मजीद की जो तिलावत करते हैं उनके सामने बात होनी चाहिए या होगी कि आम तौर पर ये कलिमा इस्तेहजा या सुखरिया कुफार के हक में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने जहां जहां इसका इस्तेमाल कुरान मजीद में किया, इसका जिक्र अल्लाह ने जहां पे किया, आम तौर पर उसका महवर यही है कि ये काफिर लोग मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, मोमिनों को हकीर जानते हैं। मुख्तलिफ आयतें हैं, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफरुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, काफिरों को उनकी दुनियावी जिंदगी बड़ी मुसय्यन करके रख दी गई है और ये लोग मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं। और इसी तरीके से एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा रऔ आयतन यस्तस्खिरून,
जब कोई नबी आयत लाके बताते हैं, मौजजा लाके पेश करते हैं, कोई नबूवत की दलील लाके पेश करते हैं, तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, अल्लाह ने अल्लाह के नबी से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी आप अकेले नहीं हैं, आप पहले नहीं हैं कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा हो, आपसे पहले रसूलों के मजाक उड़ाए गए, उनके मजाक उड़ाए गए, उनको मुख्तलिफ के तरीके से तकलीफें पहुंचाई गई। और कई कहता है अल्लाह ताला, इन्नल लदीना अजरमू कानू मिनल लदीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, के मुजरिम लोग जब मोमिनों पर से गुजरते हैं, मोमिनों पर से उनका गुजर होता है, हंसते देख करके उनको, आंखों आंखों में इशारे करते हैं, हकारत और जिल्लत के इशारे उनके हुआ करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ऐसे बहुत सी आयतें मिलेंगी जिसमें अल्लाह ताला ने मजाक उड़ाने की सिफत काफिरों की सिफत बयान की है, मजाक बनाने की सिफत काफिरों की सिफत बयान की है। एक मुसलमान किसी का मजाक नहीं उड़ाता, एक मुसलमान किसी को हकीर नहीं जानता, चाहे वो इल्म में, चाहे वो तजर्बे में, चाहे वो पैसे में, चाहे सेहत व तंदुरुस्ती में, चाहे रुतबे में, मंजिलत में, मकाम में, चाहे जिस मसले में अपने से नीचे शख्स को देख भी ले तो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाता। ये एक मुसलमान की सिफत है, और ये सिफत अल्लाह ताला एक मुसलमान में चाहते हैं। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, और अल्लाह ने वाज़ह तौर पे कह दिया कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह ताला की नजर में तुमसे कहीं अफजल हो, तुमसे कहीं बेहतर हो। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये मजाक उड़ाने की सिफत मजाक मजाक ही में क्यों ना हो, ये शरान जायज नहीं है। किसी मुसलमान को जेब नहीं देता, हां मजाक कीजिए आप, मजाक के अपने शुरूत हैं, मजाक के अपने हदूद कयूद हैं, मजाक की अपनी एक हद होती है। लेकिन मजाक अगर किसी की हकारत करता हो, अगर मजाक में किसी को जलील किया जाता हो, किसी के अमल, किसी के कौल को, किसी की सिफत, किसी की आदत को हकीर और जलील गर्दाना जाता हो, तो ये मजाक शरीयत में हराम है, ऐसे मजाक शरीयत में हराम है। और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आफत तो उस वक्त और बड़ी हो जाती है कि जब मजाक उड़ाने वाला सामने वाले की किसी नेकी को देख करके मजाक उड़ाए, उसकी किसी इताअत को देख करके मजाक उड़ाए, किसी की दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाए, किसी के पर्दे का मजाक उड़ाया जाए, किसी की सुन्नत की इत्तेबा का मजाक उड़ाया जाए, किसी की पतलून पाजामे को टखने से ऊपर देख करके मजाक उड़ाया जाए, चाहे जिस तरीके का मजाक क्यों ना हो, अगर उसका दीन से ताल्लुक है तो याद रखें ये मजाक सिर्फ हराम नहीं है, बल्कि ये वो मजाक है, ये वो मजाक उड़ाना है कि जिसकी वजह से इंसान इस्लाम के दायरे से बाहर निकल सकता है, इस्लाम के दायरे से बाहर निकल सकता है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अपने अखलाक को, अपने हरकात को, अपने आमाल को इंसान शरीयत के दायरे में रखने की कोशिश करे। और जैसा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखें, जिहाद के बाद सबसे बड़ा अफजल अमल क्या है, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुमिनुन फी शिअबिन मिन अश्शियाब यअबुदुल्लाह व यदउ अन्नास मिन शर्रि, कि जिहाद के बाद बड़ा अफजल अमल यह है कि कोई मोमिन किसी घाटी में जाके, किसी कोने में जाके रह जाए, अल्लाह की इबादत में लगा रहे और अपने से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, अपने से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। यह एक बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद के बाद इसे बड़ा अमल कर जाना है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मजाक उड़ाने से परहेज करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक शक्ल यह है कि आप अपनी जबान से किसी की नकल करके मजाक उड़ाएं, या इशारों इशारों से मजाक उड़ाएं। इसी ताल्लुक से वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा अल्लाह ताला ने सूरह हुमज़ा नाजिल कर दी, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है उन लोगों के हक में
जो कभी अपनी जबान से किसी का मजाक उड़ाएं, जो कभी अपनी हरकत से अपने इशारों से किसी का मजाक उड़ाएं, इन तमाम के लिए अल्लाह ताला ने वैल की है। मौजूद साजरीन, कितनी मरतबा हमारे अपने माशरे में नहीं होता, हमारी अपनी बैठकों मजलिसों में नहीं होता कि दो तीन लोग बैठे हों, कोई तीसरा चौथा आ जाए तो उसको देख करके दो आपस में आंखों से इशारे कर लें, आंखों से इशारे कर लें, और इशारों इशारों में उसकी कोई खूबी, उसकी कोई खराबी बयान हो, उसका कोई ऐब बयान हो, उसका कोई नक्स बयान हो। शरीयत इजाजत नहीं देती इस बात की, शरीयत इजाजत नहीं देती इस बात की कि आप किसी का आंखों आंखों में मजाक उड़ाएं। वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिन लुमज़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुमज़ा और लुमज़ा की जो तफसीर मुख्तलिफ अंदाज से बयान की, उसमें से एक ये है जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र है, अल्लज़ीना यलमिज़ूनल मुत्तवईन मिनल मुमिनीना फिस्सदक़ात, कि बंदा कोई खैर का काम करने के लिए आए, सदका खैरात लेकर के आए, तो मुनाफिकीन बैठ करके उसका मजाक उड़ाते, कहते अगर थोड़ा सा लाया हो तो इस थोड़े से क्या फायदा हो जाएगा, अगर बहुत सारा ले आया हो, सदके के लिए काफी माल लाया हो, तो कहते दिखावा कर रहा है, दिखाने के लिए सदका कर रहा है। तो मौसे हाजरीन, ये लम्स, ये तान, ये किसी सूरत शरीयत में जायज नहीं है। तो आम तौर पर एक शक्ल है जो अपने मुआशरे में पाई जाती है, इशारों के जरिए या अपने अकवाल को कसने के जरिए, ताने देने के जरिए लोगों का मजाक उड़ाया जाए, ये शरअन किसी सूरत जायज नहीं है। और इसी तरीके से एक और शक्ल जो मजाक की आम तौर पर बनती है कि दूसरों को लकब से पुकारना, जैसे आम जबान में कहते हैं आड़े नाम से पुकारना, यानी कोई कद में छोटा है तो उसको उसका नाम दें, कोई लंबा है तो उसको उसका नाम दें, कोई मोटा है तो उसको उसकी सिफत से पुकारें, या किसी के बदन में कोई ऐब या कोई थोड़ा सा हटी हुई चीज हो तो उसको उसका नाम देकर के पुकारें। याद रखें, कुल्लु खल्किल्लाह हसन, अल्लाह ने जिसको जैसे पैदा किया सबसे बेहतर पैदा किया है, जिसको जो आवाज दी बेहतर आवाज है, जिसको जो बदन दिया वो बेहतर बदन है, जिसको जो बदन मिला वो उसके हक में सबसे बेहतर है। अब किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी और का मजाक उस खिलकत पर बनाए जो अल्लाह ने उसकी बनाई हो। इंसान अपने आप को अपने हाथ से नहीं बनाता, इंसान अपने आप को अपने हाथ से नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह ताला की खिलकत है, अल्लाह ताला की यह बनावट है। अल्लाह ताला की बनावट पर नाम नहीं रखे जाते, अल्लाह ताला की बनावट पर नाम नहीं रखे जाते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे एक मर्तबा माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ मसला ऐसे हो गया, जबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, हस्बुकी मिन सफ़ीयता कदा व कदा, कि आप क्या सफिया का जिक्र कर रहे हैं, वो तो ऐसी है। माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने इशारा कदा व कदा से उसके कद की तरफ किया कि उसका कद छोटा है, वो छोटे कद वाली है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा बुरा लगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लकद कुलती कलिमतन लौ मुज़िजत बिहा माउल बहरी, कहते हैं कि तुमने एक ऐसा कलिमा कहा, ऐसी बात कही है कि अगर समंदर के पानी में उसको मिला दिया जाए तो पूरा पानी गदला हो जाए, पूरा पानी गंदा हो जाए। हां, हकीकत में वो छोटी रही होंगी, कद छोटा रहा होगा, लेकिन मजाक के अंदाज में, ऐब के अंदाज में, लकब के अंदाज में ये शरान किसी सूरत जायज नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ हमारे अपने मुआशरे में, हमारे अपने मुआशरे में, हमारे अपने खानदानों में, हमारी अपनी बैठकों में, बड़े अफसोस के साथ हर एक का कोई ना कोई लकब पाया जाता है, हर एक का कोई ना कोई आड़ा नाम पाया जाता है। ये शरीयत इजाजत नहीं देती इस बात की। ये वो बुराइयां हैं जो अंदर से मुआशरे को खोखला करते जाती हैं, अंदर से मुआशरे को खाते जाती हैं। और मसल हाजरीन, मजाक की एक और शक्ल किसी को ऐब लगाना, खुसूसन किसी से कोई गलती हो जाए
उस पर नदामत महसूस करे, शर्मिंदगी महसूस करे, तौबा उसने कर ली हो, उसको उस गुनाह से बार बार याद करना, उसको उस गुनाह का बार बार वास्ता देना, उस गुनाह के नाम से उसका जिक्र करना, ये शरण जायज नहीं है। सलफ सालेहीन कहा करते थे कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को उसका ऐब जिक्र करके उसकी बुराई बयान करे, तो कहते थे कि मरने से पहले वो खुद उस ऐब का शिकार जरूर हो जाएगा। दिखाया गया है कि जो किसी का किसी ऐब को लेकर के मजाक उड़ाए, मरने से पहले उसी ऐब का वो शिकार हो जाता है, उसी कमी का वो शिकार हो जाता है। अम्र इब्न शरहबील कहते हैं, لو رأيت رجلا يرضى عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع। अगर मैं किसी को देखूं कि सीधे वो किसी बकरी का दूध ऐसे ही मुंह लगा के पी रहा हो और देख के मुझे हंसी आ जाए, तो मुझे डर है कि कहीं कोई ऐसा दिन ना आ जाए कि मुझे भी वही करना पड़े जो उसने किया है। इसी तरीके से एक और कौल है, कहते हैं इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अल-बलाउ मुवक्कलुन बिल कौल, के देखो आजमाइशें आपकी जबान से लगी होती हैं, आजमाइशें आपकी जबान से जुड़ी होती हैं। लो सखिर तो मिन कल्ब ला खशीतु अन उहव्वल कल्बा, कि अगर मैं किसी कुत्ते का भी मजाक उड़ा लूं तो डर है कि कहीं मैं कुत्ते में तब्दील ना कर दिया जाऊं। तो जिसका आप जबान से मजाक उड़ाएंगे, मुमकिन है कि जिसका आपने मजाक जिस वजह से उड़ाया हो उसी वजह के आप शिकार हो जाएं। और इसी तरीके से इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक मर्तबा मैंने किसी को या मुफलिस मैंने कह दिया, मुफलिस गरीब फकीर किस्म का आदमी, या मुफलिस मैंने कह दिया, तो कहते हैं कि इसका असर यह हुआ कि 40 साल बाद मैं इफलास का शिकार हो गया, मैं खुद मुफलिस बन गया। तो मौसा साधरीन, ये वो गुनाह है, ये वो जहर है कि जो एक मर्तबा इंसान की जिंदगी में घुल जाए तो कहीं ना कहीं अपना असर जरूर दिखाता है, कहीं ना कहीं असर इसका जरूर दिखता है। फजल इब्न इयाद रहमहुल्लाह कहते हैं, वल्लाही मा यहिल्लु लक अन तुअज़िया कल्बन औ खिंज़ीरन बिगैर हक, कि कसम अल्लाह की आपको यह हक नहीं पहुंचता कि बगैर किसी हक के किसी कुत्ते या किसी खिंजीर को आप तकलीफ पहुंचाओ, यह आपको हक नहीं है कि किसी जानवर को आप तकलीफ दो। फकैफ तुअज़ी मुस्लिमन, तुम किसी मुसलमान को कैसे तकलीफ पहुंचाते हो, तुम किसी मुसलमान को कैसे तकलीफ पहुंचाओगे। तो मोहतरम हाजरीन, मजाक उड़ाने से परहेज करें। हमारे मुआशरे में मजाक उड़ाना एक दूसरे का एक आम सी सिफत बन चुकी है, जो दर हकीकत इंसान के आमाल को गारत करने वाली है। इसके बड़े नुकसान हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी सिफत अच्छी आदत वाला बनाए और हर बुरी सिफत बुरी आदत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। अकूलु कौली हादा वास्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد। معزز حاضرين, عام طور پر किसी का मजाक उड़ाने वाला जो मजाक उड़ाता है उसके असबाब उलमा ने बयान किए हैं कि मजाक क्यों उड़ाया जाता है, मजाक क्यों उड़ाते हैं लोग। कुछ असबाब इसके जिक्र किए गए हैं, उनमें से एक जिक्र मैंने किया आपके सामने, तकब्बुर। जिस आदमी के दिल में तकब्बुर हो वही दूसरों का मजाक उड़ाता है, जिस आदमी के दिल में तकब्बुर हो वही दूसरों का मजाक उड़ाता है। और ऐसे लोग जान लें कि जिस आदमी के दिल में जर्रे के बराबर भी तकब्बुर हो वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। एक और वजह जिसकी वजह से लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो ये है कि मुआशरे में, लोगों में, खानदान में कोई थोड़ा सा ऊंचे मकाम और मरतबे वाला है और यह चाहता है कि उसे नीचे उतारे, उसे जलील करे, दूसरों की इज्जत को कम करने के लिए, दूसरों की इज्जतों को कम करने के लिए, मकाम मर्तबे को घटाने के लिए उसका मजाक उड़ाया जाता है। यह भी एक सबब है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं।
جبکہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ عزتیں ذلتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، اللہ جسے عزت دے وہ عزیز ہے، اللہ جسے ذلت دے وہی ذلیل ہے۔ اور بعض اوقات لوگوں کو بس ایک مشغلہ چاہیے، لوگوں کو بس ایک مشغلہ چاہیے، دوسروں کو تکلیف ہو، دوسروں کے ساتھ جو مسئلہ ہو، بس ان کو ہنسنا ہے، ان کو تھوڑا اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، انٹرٹین کرنے کے لیے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر دوسروں کا مذاق اڑائیں، یہ بھی شرعاً بالکل حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سبب یہ ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھا ہے، کسی کو ہنسانا چاہتا ہے، کسی کو ہنسانا چاہتا ہے تو دوسروں کا مذاق اڑا کے ہنساتے ہیں تاکہ مجلس میں تھوڑا سا کھلکھلایا جائے، تھوڑے سے قہقہے لگیں، تھوڑا سا کھیل کود ہو جائے، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جائے، لوگوں کو خوش کر دیں، لوگوں کو ہنسا دیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ عام طور پر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اور کئی اسباب ہیں، حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، جلن ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے۔ یاد رکھیں یہ تمام اسباب ناجائز اور حرام ہیں، اور جو عمل مذاق اڑانا ہے شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی، چاہے کوئی بڑا چھوٹے کا مذاق اڑائے، چاہے کوئی مرد عورت کا مذاق اڑائے، چاہے کوئی مالدار کسی غریب کا مذاق اڑائے، چاہے اس کا الٹا کیوں نہ ہو، ہر صورت میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب جو مذاق اڑاتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے کچھ نقصان میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جس معاشرے میں، جن بیٹھکوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے، وہاں پر بھائی چارگی باقی نہیں رہ جاتی۔ جو ایک دوسرے کے لیے خلوص ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس مذاق اڑانے کی وجہ سے آپسی بھائی چارگی کا نقصان ہوتا ہے، اور وہیں پر دشمنی کے بیج بوئے جاتے ہیں، دشمنی کے، حسد کے، بغض کے، اسی مذاق اڑانے کے ذریعے بیج بوئے جاتے ہیں۔ کہ کتنے مرتبہ ایسے ہم نے سنا ہوگا کہ فلاں نے فلاں سے دشمنی کر لی، فلاں نے فلاں کو نقصان پہنچا دیا، فلاں نے فلاں کو مار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بھری مجلس میں اس نے مذاق اڑا لیا، بھری مجلس میں اس نے اس کا مذاق اڑا لیا، نتیجے میں اس نے اس کا نقصان پہنچایا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ہمیں سنائی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مذاق اڑانے کے جو نقصانات ہیں، اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کے درمیان انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے، اللہ محفوظ رکھے، کسی کا مذاق اڑایا ہو، وہ انتقام کے آگ میں بھٹکتا رہے گا جب تک اسے موقع نہ ملے، وہ انتقام کی آگ میں جھلستا رہے گا کہ کوئی موقع مل جائے آپ کا بھی وہ مذاق اڑائے۔ انتقام کی آگ آپ سلگا دیتے مذاق کے ذریعے، یہ بھی ایک بڑی برائی اور بڑا بدترین انجام ہے جو مذاق اڑانے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مذاق اڑانے کے جو نقصانات ہیں، اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن مذاق اڑانے کے بدلے میں جو نقصانات ثواب اور گناہوں کی شکل میں اسے دکھیں گے، یاد رکھیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ دیکھو، دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا معاملہ ہے، دنیا میں ایک دوسرے کا کوئی مسئلہ ہے، مال کا لے کر کے ہو، ایک دوسرے کی عزتوں کا لے کر کے ہو، ایک دوسرے کے معاملات کا لے کر کے ہو، اسی دنیا میں ختم کر دو، آخرت کے لیے اٹھا کے مت رکھو، آخرت کے لیے اٹھا کے مت رکھو، کیونکہ وہاں لین دین کے لیے سوائے نیکیوں برائیوں کے کچھ اور نہیں ہوگا، درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں پر بس نیکیاں دی جائیں گی، برائیاں دی جائیں گی، نیکیاں لی جائیں گی، برائیاں لی جائیں گی، لین دین کے لیے نیکیاں اور برائیاں رہ جاتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنی آخرت کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی حرکتوں کی حفاظت کریں، اور مذاق اڑانا جو کہ کافروں کی صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے، اسلام دشمنوں کی صفت ہے، نبی کے قاتلوں کی صفت ہے، اس مذاق اڑانے سے پرہیز کریں۔ اور کبھی کوئی کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، کبھی کوئی کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مذاق اڑانا سبب بن جائے اس کے اعمال کے غارت ہونے کا، اس کے اعمال کے برباد ہونے کا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلامی اخلاق کا ہمیں پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ
تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.